Welcome back to my channel. So this is Vanna here. तो first of all यहाँ पर ये video में यहाँ पर disclaimer दे देती हूँ कि guys just ignore my face क्योंकि आज है Sunday. तो Sunday के दिन मुझे hair care जो सारा routine होता है वो मुझे करना होता है. साथ ही साथ मैं एक YouTuber के साथ साथ मैं एक housewife हूँ. तो मुझे मेरा घर का जो सारा pending work होता है वो भी सारा करना होता है. क्योंकि मुझे मंडे टू सैटरडे इतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं पूरा मेरा हेयर केयर रूटीन फॉलो करूं. क्योंकि ऑब्वियसली मुझे वीडियो भी शूट करना होता है, एडिट भी करना होता है. तो और जब संडे आता है तो संडे के टाइम पूरा मेरा जो हेयर केयर रूटीन होता है या तो कोई हेयर पैक लगाना वो फॉलो करती हूँ, साथ ही साथ मेरा स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करती हूँ. और हेयर पैक अप्लाई करने के बाद मेरा जो घर का सारा काम होता है पेंडिंग वर्क वो कर देती हूँ. अगर आपको मेरा ये वीडियो जानना है कि मैं हेयर केयर रूटीन कैसे करती हूँ संडे के दिन और नेचुरल, तो ये वीडियो आप एंड तक डेफिनेटली देखना. आई होप कि आप सबको ये पसंद आया होगा. अगर थोड़ा सा भी ये पसंद आया मेरा नेचुरल, यू नो, कोई भी यहाँ पर मैं फेक दिखाने की ट्राई नहीं करी क्योंकि मुझे नेचुरल रहना और रियलिटी में रहना पसंद है. तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है नेचुरल फ्रेश एलोवेरा प्लांट. अगर आपके घर में एलोवेरा हो और आप इसे यूज ना करो तो गाइज आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो. मैं क्या करती हूँ कि एलोवेरा में से एलोवेरा को काट कर 15 या 20 मिनट के लिए ऐसे उल्टा लटका देती हूँ. उसमें से जितना भी वो येल्लो पार्ट होता है पीला कलर का वो निकल जाता है और उसके बाद मैं इसे यूज़ करने के लिए यू नो ले लेती हूँ. तो मैं एलोवेरा को बीच में से काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं क्या करती हूँ कि डायरेक्टली कोई हेयर ऑयल या तो कोई डायरेक्टली कोई हेयर पैक अप्लाई नहीं करती हूँ. जो नेचुरल एलोवेरा होता है प्लांट वाला फ्रेश एलोवेरा जो जेल होता है उसको डायरेक्टली मैं मेरे स्कैल्प पर अप्लाई करती हूँ, ऐसे मसाज करती हूँ. ऐसे क्या होता है, जो नेचुरल एलोवेरा जेल होता है वो हमारे स्कैल्प पर जाके जो ड्राई स्कैल्प होता है उसको भी ठीक करता है, साथ ही साथ जो डेंड्रफ होता है उसको दूर करता है, हमारी जो जड़ होती है उसको बहुत ज़्यादा यू नो स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम करता है. तो मैं इस तरीके से मेरा हेयर केयर रूटीन फॉलो करती हूँ. इससे मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है. तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप ये तरीका ट्राई कर सकते हो. और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी. अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा यू नो डिफरेंस आपके हेयर पे दिखने को मिलेगा. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देती हूँ कि कोई भी अगर आप हेयर ऑयल ट्राई करते हो या तो कोई शैम्पू ट्राई करते हो या कुछ भी यू नो नेचुरल डीआईवाई ट्राई करते हो तो ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना कि एक या दो बार में ही आपको 100% रिजल्ट मिलेगा. क्योंकि ये जो हेयर की चीज़ होती है बहुत ज़्यादा यू नो हमें स्लो रिजल्ट देती है. तो मैंने यहाँ पर जो एलोवेरा के टुकड़े किए थे छोटे छोटे वो मेरे स्कैल्प पर यहाँ पर मसाज करते करते अप्लाई कर रही हूँ. इसे करने से एलोवेरा एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, साथ ही साथ ड्राई स्कैल्प होती है उसको भी ठीक करता है, डेंड्रफ दूर करता है, साथ ही साथ हमारे बालों को काफ़ी सिल्की शाइनी और स्मूथ बनाता है. तो आपको इस तरीके से पूरे हेयर पर अप्लाई कर देना है. इस तरीके से गाइस यहाँ पर एलोवेरा जो नेचुरल एलोवेरा है उसे अप्लाई करने के बाद मैं इसे 30 मिनट के लिए रखूंगी, 30 या 40 मिनट के लिए रखूंगी. तब तक ये जो एलोवेरा होगा मेरी स्कैल्प पर पूरी तरीके से यू नो एब्जॉर्ब हो जाएगा. उसके बाद मैं बेस्ट एक हेयर पैक अप्लाई करूंगी. वो जो हेयर पैक है उससे काफी सारी हमारी जो हेयर की प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है. तो 30 मिनट के बाद अब चलिए हम मिलते हैं और हेयर पैक कैसे बनाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी. तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर आपको 2 से 3 टेबलस्पून जितना दही लेना है. दही हमारे जो बाल होते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारे बाल को बहुत ज़्यादा सिल्की बनाता है, सॉफ्ट बनाता है. मैंने यहाँ पर घर का बना लिया है, आप बाहर का भी ले सकते हो. इसके बाद आपको यहाँ पर करीब 1 टेबलस्पून जितना केस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल ऐड करना है. केस्टर ऑयल हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऐड करना है स्वीट आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल. यहाँ पर मैं करीब 1/2 टेबल स्पून जितना ऐड करूँगी. बादाम का जो तेल होता है वो भी हमारे बाल को बहुत ज़्यादा सिल्की बनाता है और स्मूथ भी बनाता है. नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड करूँगी करीब 1/2 टेबल स्पून जितना ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल. अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो. नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 विटामिन ई कैप्सूल को. विटामिन ई कैप्सूल आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में आसानी से 25 रुपये की 10 मिल जाएगी. यहाँ पर मैं एक ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो 2 भी कर सकते हो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो. इसके बाद हमें यहाँ पर मैं नेक्स्ट ऐड कर रही हूँ यहाँ पर टी ट्री का जो हेयर रिपेयर वाला सीरम है वो ऐड कर रही हूँ. ये हमारे बालों को काफ़ी अच्छा घना बनाता है, साथ ही साथ हेयर फॉल और हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम होती है उसको जल्दी से ख़त्म करता है. और इसका यहाँ पर मैं 4 से 5 बूंद ऐड करूँगी
और इसके बाद इन सबको अच्छे से आपको मिलाकर एक पेक बना लेना है। तो हमारा यहाँ पर पेक रेडी है। अब हमने जो यहाँ पर हेयर मास्क बनाया था वो मैं मेरे हेयर पर यू नो वीक में एक बार डेफिनेटली अप्लाई करती हूँ और हर संडे में कुछ ना कुछ नया वाला हेयर मास्क ट्राई करती हूँ, जिससे हमारे हेयर की जितनी भी जरूरत होती है अलग अलग यू नो ऑयल के हिसाब से वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे ऑयल भी ऐड किए हैं जो हमारे हेयर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारे हेयर के लिए सिर्फ कोई एक ही ऑयल इनफ नहीं होता है, हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग यू नो ऑयल चाहिए होते हैं हमारे हेयर को अच्छे से हेल्दी रखने के लिए। तो ये जो है पैक है ना गाइस, बहुत ज्यादा इफेक्टिव 100% रिजल्ट देता है। ये मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, इसमें मैं नहीं जोड़ रही हूँ, बट बहुत सारे सब्सक्राइबर ने इसे ट्राई किया है। ट्राई करने के बाद एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है कि मैम ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, हमारे बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ तो बना देता है, बट जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है या तो हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है 2 से 3 बार में ही काफी कम कर देता है। अगर आपको हेयर ग्रोथ करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हेयर ग्रोथ होने में कोई भी अगर आप मार्केट में से महंगा ऑयल खरीद लोगे तो भी हेयर ग्रोथ होने में टाइम लगता है। तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई करना, और जब ये पैक आप पूरे हेयर पर अप्लाई कर लो उसके बाद आपको बन बनाकर कोई पॉलीथीन लगा लेनी है। अगर आपके पास जो हेयर केप आती है वो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, और इसके बाद शैम्पू से वॉश कर लेना है। मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ वाव का एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि इससे हमारे जो बाल होते हैं काफ़ी अच्छे भी हो जाते हैं, सिल्की शाइनी स्मूथ भी हो जाते हैं। तो अगर आपको इसके लिंक चाहिए या तो सारी प्रोडक्ट की लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि मैंने हेयर को यू नो 1 या 2 घंटे के बाद अच्छे से वॉश कर लिया था। ये अगर आप मेथड ट्राई करोगे, मैंने आपको पहले एलोवेरा जो फ्रेश एलोवेरा था वो बताया, अगर आप वो ट्राई करोगे और उसके बाद कोई हेयर पैक ट्राई करोगे तो आपको यू नो हेयर ग्रोथ या तो हेयर फॉल या तो यू नो हेयर लॉस की प्रॉब्लम तो धीरे धीरे कम होगी। वैसे यू नो कोई एक ही हेयर पैक पे स्टिक नहीं होती कि यार हर बार यही वीक पर यही हेयर पैक अप्लाई करना है, मैं ऐसा नहीं करती, मैं डिफरेंट हेयर पैक ट्राई करती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी हेयर के लिए या तो हमारे हेयर की कोई भी या तो जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो अगर आप चाहो तो मैं आप सबके साथ ये ब्राह्मी वाला पैक या तो आंवला वाला पैक, डेफिनेटली सिकाकाई वाला पैक डेफिनेटली आप सबके साथ ट्राई करूंगी कि मैं वो कैसे यूज़ करती हूँ। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो, वो पैक वाला वीडियो देखना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी गाइस पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट्स करना, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप मेरे दूसरे वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।